हमने कहा था कि यहाँ पे कमोड एक लगाएंगे और कमोड लगाने के बाद आपका प्लस सिस्टम का भी एक वीडियो दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम प्लस सिस्टम बॉक्स लगा रहे हैं, ये देख रहे हैं वेक्टस प्रो का, ये वेक्टस प्रो प्लस सिस्टम बॉक्स है। तो इसका सिस्टम कुछ इस तरीका से देख रहे हैं, ये हमने फुटबॉल लगाया अभी, ये जो वाल है ये फुटबॉल सेट आता है, तो ये फुटबॉल लगाया और इसका ये वाल है जो पानी इसके अंदर गिराएगा। और यहाँ पे ये प्लस सिस्टम, ये देख रहे हैं ये प्लस सिस्टम है, जैसे आप इस तरीका से दबाएंगे तो ये प्लस करेगा, यानी पानी वाटर ड्रेन करेगा, यहाँ पे वाटर ड्रेन करेगा। और ये इसका लॉक है, जो ये इसका लॉक है, ये लॉक यहाँ पे लगता है, ये देख लीजिए यहाँ पे इस तरीका से लॉक बैठेगा। और ये इसका फास्टनर स्टैंड है, जो सिस्टम इस बॉक्स का स्टैंड है, ये जो ये बॉक्स देख रहे हैं आप, इसका स्टैंड है ये, और ये इसका कैप है, और कैपिंग लॉक भी है यहाँ पे, ये देख रहे हैं कैपिंग लॉक। तो हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे हमने ये जो आप देख रहे हैं पाइप, ये इसी का पाइप है, देख लीजिए ये रबड़ है, ये कमोड के अंदर जाएगा पीछे से, और ये एल बैंड है, ये देख रहे हैं ये एल बैंड है, ये कमोड के पीछे से जाएगा। और ये जो सिरा है यहाँ पे एक रबर लगेगा, ये सिरा है यहाँ पे एक रबर लगेगा, और रबर लगा के यहाँ पे इस तरीका से चढ़ेगा। तो हम एक फिटिंग करके दिखा देते हैं आपको, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक रबर लगाया है, ये रबर लीकेज के लिए है, जैसे यहाँ पे एक कैप टाइट करेंगे तो ये लीकेज बंद कर देगा। और इस साइड और इस तरीका से देख रहे हैं यहाँ पे जो हम बताए थे रबर, वो यहाँ पे रबर लगा हुआ है, एक रीजन नज़दीक से, ये रबर है, इसे रबर अंदर लगाना पड़ता है, ये इसीलिए इसे अंदर लगाएं। और लगाने के बाद ये एल बैंड है यहाँ पे, और हमने दो यहाँ से हैमर है, हमने दो छेद किया हुआ है, ये देख लीजिए ये होल किया हुआ है, यहाँ पे होल लगा के इसमें गिट्टी टाइट कर दिए हैं, और यहाँ पे इसका ये लॉक है और स्क्रू है, तो इसे लॉक स्क्रू लगाना है यहाँ पे। तो ये देख लीजिए यहाँ पे लॉक स्क्रू लगा रहे हैं, ये इसका स्टैंड है, ये देख लीजिए नज़दीक से, ये इसका स्टैंड है, सीधा लगाइए सीधा सीधा। तो यहाँ पे देख लीजिए लॉक लगा दिए, इसका स्टैंड है ये जिस पे ये सिस्टम बॉक्स टंगा रहता है, और यहाँ पे इसे ज्वाइंट करते हैं, हम इसे लगा देते हैं। तो इस तरीका से लगाए हैं, ये जो एल बैंड है ये, और एल बैंड के यहाँ पे ये इस तरीका से लगाएं, बहुत ही फिट बैठेगा, लगा के। अब यहाँ पे लॉक है, इस लॉक में आपको उसे फंसाना होगा, ये फंस गया, अभी आप इसे भी टाइट करते हैं। ये टाइट कर चुका, अब इसका हम लीड बैक लगाएंगे, इसका लीड इसे चालू करने के लिए लीड बैक लगाएंगे, जो यहाँ पे एंगल कॉक है। और ये सिस्टम देख रहे हैं यहाँ पे एक प्रेशर जेट के लिए है, ये कमोड में प्रेशर जेट लगेगा, जैसे इसका कैप होता है ढक्कन, ये प्रेशर जेट लगेगा यहाँ पे। और एक है हैंड वॉश के लिए, जो यहाँ पे हैंड जेट शावर लगता है, जिसे आप पीछे से टॉयलेट धो सकते हैं। तो ये देखिए इनका कवर इस तरीका से रहेगा, और ये इस तरीका से रहेगा, तो ये कमोड का कवर है, जैसे कैप है ये, और ये यहाँ पे बैठने के लिए इसको बैठ करके आप टॉयलेट कर सकते हैं, ये इसे उठा दीजिए, इस तरीका से रहेगा ये। तो यहाँ पे एक प्रेशर जेट लगता है, वो अभी हम इस वीडियो में नहीं दिखाएंगे, हमारा शॉर्ट वीडियो भी आएगा, एक शॉर्ट वीडियो में हम आपको दिखा देंगे, और एक और वीडियो हमारा बना हुआ है, हम इसे लीड बैक लगा के स्टार्ट करके दिखा देंगे। ये हमारा लॉक है, ये इस तरीका से लॉक मिलेगा, और ये इसका कैप है। तो सबसे पहले हम लीड बैक लगा देते हैं, ये लग गया लीड पैक, और हम इसे पानी चालू कर देते हैं, देख लीजिए जैसे यहाँ से हम एंगल कॉक खोलेंगे, ये देख रहे हैं पानी चालू हो चुका, यानी सिस्टम में पानी आना चालू हो चुका है। और ये हमारा लॉक है, तो इसे पहले टेस्ट कर लेते हैं, ये देख लीजिए टेस्ट कर लिए, सही काम कर रहा है ये, इसका हम लॉक लगा देते हैं।
और लॉक किस तरीका से लगाना है थोड़ा नज़दीक लॉक, तो ये देख लीजिए लॉक इस तरीका से लगाते हैं। पहले आप इस साइड ऐसे रखिए, इस साइड भी कैप लगा रहे हैं, कैप भी लगा दिए, यहाँ पे लॉक भी लगा दिए। लॉक लग गया तो ये देखिए, अभी से हम प्लस करके दिखाते हैं, ठीक है। प्लस चालू हो गया, और दोस्तों प्लस सिस्टम बॉक्स फिटिंग करना कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें।